कार्निवरस एनिमल एनिमल हर्बीवरस एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। कार्निवरस एनिमल जो होते हैं सिर्फ हर्बीवरस एनिमल्स को खाते हैं, और ओमनीवरस एनिमल हर्बीवरस और कार्निवरस दोनों एनिमल्स को खा सकते हैं। यस, तो दिस इज द योर टॉपिक। तो टुडेस टॉपिक इज योर फूड चेन। यस, लेट अस डिस्कस अबाउट द फूड चेन। यू आर नो वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट that all animals depend on the plants for their food either directly or the indirectly. या तो directly उसके ऊपर depend करते हैं या तो indirectly, जैसे plants हैं, plants they prepare their food in their own. Yes, plants अपना खाना खुद तैयार करता है, जैसे they need air, water and sunlight. Yes, same. But then indirectly like the herbivorous animals they eat the grass. Yes, herbivorous animal किसको खाता है? Grass को, grass को नहीं तो plants खाते हैं। Yes, and the carnivorous animal किसको खाता है? Herbivorous animals को खाता है। तो directly और indirectly they are depend to एक दूसरे पे depend करते हैं। एक for example a herbivorous say a grasshopper, जैसे herbivorous say grasshopper eat grass. Herbivorous say the grass, they eat the grasshopper. This is grasshopper. Grasshopper खा रहा है grasshopper. Grasshopper को कौन खा रहा है? Frog. Frog को कौन खा रहा है? Snake. और snake को कौन खा रहा है? Eagle. तो बस सब एक दूसरे पे depend करते हैं। पर grass घास होती, घास को कौन खा रहा है? Grasshopper. Yes? जैसे कि frog. ग्रासहॉपर जैसे कि टिड्डा जो होता है उसको ग्रासहॉपर कहा जाता है, और ग्रासहॉपर को कौन खा रहा है? फ्रॉग। अब फ्रॉग को कौन खा जाता है? स्नेक। और स्नेक को कौन खा रहा है? ईगल। तो दिस प्रोसेस आर कॉल्ड द फूड चेन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जब एक डिश को जब खा रहे हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं फूड चेन। प्रोसेस आर कॉल्ड द फूड चेन। नेक्स्ट इज द टॉपिक इज योर डोमेस्टिक एनिमल्स एंड देयर बीमार। क्लीन रेगुलरली, प्रॉपर ट्रीट
टिल सिक मींस होता है बीमार पड़ना। व्हेन दे सिक, अगर वो सिक बन जा सिक हो जाते हैं तो उनको सही ट्रीटमेंट देना भी वे नहीं छोड़ते, मतलब उनकी देखभाल करना, और अगर वो बीमार पड़ते हैं तो उनको हॉस्पिटल में ले जाकर दिखाना जरूरी है। We should always be kind to our domestic animal. We should always be kind. Kind means हमें उसके प्रति kind, दयालुपन रहना चाहिए animals को। ये नहीं कि उसको आपने घर में पाला, आज उसको पिटाई कर रहे हैं, खाने को नहीं दे रहे, पीने को नहीं दे रहे, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको भी जैसे हम बच्चे को प्यार करते हैं, उसको भी उसी तरह से जो है प्यार देना चाहिए। यस, उनको नहलाना चाहिए, अच्छा खाना खिलाओ। Yes, this should need all the importance points. So there are given the be sensitive. Be sensitive care. Any disturbance in the food chain. Any disturbance in the food chain can cause an imbalance in nature. We should not cut too many trees or the kill animals to maintain their balance. हमें कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि खूब सारे एक साथ पेड़ों को काट देना चाहिए। वाई अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा बैलेंस जो होता है वो बिगड़ जाता है। यस, तो रिवाइज इट अगेन। थैंक यू।